आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, द क्वेश्चन इज टू होर्डिंग्स आर पुट ऑन द टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट क्या है हमारी, इक्वल है दोनों होर्डिंग्स की। तो इस ये वाली होर्डिंग और ये वाली होर्डिंग, ठीक है, इन दोनों की हाइट है हमारी इक्वल। ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड नॉट द मिड पॉइंट। तो ये जो ओ है ये मिड पॉइंट नहीं है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री। तो ये है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से देख रहे हैं तो 60 डिग्री, एंड ये है हमारा 30 डिग्री। हाइट ऑफ द ईच पोल इज 20 मीटर। तो ये क्या है हमारी हाइट 20 मीटर की, ये वाली हाइट है हमारी 20 मीटर, और ये वाला एंगल 60 डिग्री, ये है 30 डिग्री। अब यहाँ पे विथ ऑफ द रोड, तो हमें ये बतानी है विथ ऑफ द रोड, दैट इज दिस, ये विथ बतानी है हमें, ठीक है। तो इसकी पहले इसको कैसे बताएंगे, पी यू प्लस ओ आर विथ ऑफ द रोड, विथ ऑफ रोड दैट इज इक्वल टू पी यू प्लस में ओ आर, ठीक है। अब हमें पी यू निकालना पड़ेगा और ओ आर निकालना पड़ेगा, तो इस वाले ट्राइंगल से क्या निकाल लेंगे, पी यू, इस वाले ट्राइंगल से क्या निकाल लेंगे, ओ आर, ठीक है। पहले क्या लेते हैं, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, क्यू पी ओ लिख लेते हैं, क्यू पी ओ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम टेन थीटा निकालें, टेन ऑफ थीटा दैट इज 1060, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है हमारा 20, बेस हमें निकालना है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है √3, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा बी इज इक्वल टू 20/√3, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ये वाला लेते हैं एस आर ओ, एस आर ओ, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल एस आर ओ, ठीक है। तो यहाँ पे टेन ऑफ 30, यहाँ पे लेते हैं 10/30, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सेम फार्मूला, यहाँ परपेंडिकुलर कितना है 20, सेम हाइट है, बेस यहाँ भी निकालना है हमें, तो यहाँ का बेस अलग होगा, ये वाला बेस अलग होगा, ठीक है। ये वाला बेस पी ओ है हमारा, ये वाला बेस है हमारा पी ओ, और ये वाला बेस है हमारा ओ आर, ठीक है। तो यहाँ पे 10/30 कितना होगा 1/√3, दैट इज इक्वल टू 20/b, ठीक है। तो यहाँ से इस वाले बेस की वैल्यू क्या आएगी हमारी 20√3। तो यहाँ पे टोटल विड्थ कितनी आएगी, टोटल विड्थ ऑफ रोड, विड्थ ऑफ रोड दैट इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 20/√3 प्लस में 20√3, ठीक है। अब इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा 20 प्लस में 20√3 मल्टीप्लाई √3 दैट इज 3 डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया हमारा 60 और 20 80, 80/√3, ठीक है। डेसिमल में निकालोगे तो कितना आएगा हमारा, तो यहाँ कितना आएगा हमारा 46.24, ठीक है। तो टोटल विड्थ कितनी होगी 46.24, दैट इज आवर आंसर, ठीक है, मीटर में। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।